नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संजीव शंकर तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव साथ में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पॉस मशीन को कीपैड से चला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कीपैड की हर बटन के बारे में, क्योंकि जब तक कीपैड के बारे में ही नहीं पता है तो हम कीपैड से कैसे चलाते थे। वैसे आपको बता दें कि कीपैड और माउस से दोनों मिलकर के ही चल सकते हैं। तो ये है आपकी पावर की, इसका आप इस्तेमाल करते हैं पावर ऑन और ऑफ करने के लिए। ये आपके सारे न्यूमेरिक की हैं, ये स्लैश यानी भाग का निशान है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये पॉइंट है और ये आपका स्टार है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप रिटर्न करने के लिए है, ये आपको होम कैंसिल करने के लिए है, डायरेक्ट आपको मेन स्क्रीन पर ले आएगा। ये आपको किसी को प्रिंट देने के लिए काम आएगा, प्रिंटर के लिए है। और ये है आपको इंटर करने के लिए यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए है। ये है वेब ब्राउजिंग के लिए और इसे मैं भी नहीं जानता हूँ। ये है मेन मेन्यू के लिए और ये है कैमरा के लिए। बाकी ये जो आप टैब देख रहे हैं ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, जिसमें आपको कंप्यूटर के ही कीपैड मिलेंगे। तो ये तो सारे अंग्रेजी अक्षर लिखे हैं और इसके ऊपर ये छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, इनका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो शिफ्ट के साथ कीजिएगा। फिलहाल हम आपको कुछ टैब के बारे में बता देते हैं, जैसे कैप्स लॉक। जैसे आप कैप्स लॉक दबाएंगे तो ऐसा पर नीली बटन दब जाएगी, ये कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक करते ही आपके सारे अक्षर जो हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। ये ऊपर जाने के लिए, ये नीचे जाने के लिए, ये बाएं जाने के लिए और ये दाहिने जाने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। ये स्पेस देने के लिए है। ECS अगर आप कहीं से हैं और वापस नहीं आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप सीधे यहाँ का भी इस्तेमाल, ECS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा आपको मेन स्क्रीन पर सारे फंक्शन बंद करके ले आएगा। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी जानकारी। हम हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम अपने कीपैड से इस मशीन को चला सकते हैं। सबसे पहले हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते ही DBT इन फर्टिलाइज़र पर एक सफ़ेद सा निशान बन जाता है, जिसे आप अगर साइड बटन दबाते हैं, राइट साइड की बटन दबाते हैं, तो देखिए मेन मेन्यू पर आ जाता है। हम फिर इंटर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप राइट साइड बटन दबाएंगे, सारी जगहों पर आप जा सकते हैं। यहाँ से आपका राइट साइड बटन काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपके जाना है नीचे। इसके लिए आपको दबाना है नीचे वाली बटन और फिर आप लेफ़्ट साइड बटन दबाइए ऊपर। ऊपर जाने के लिए आपको फिर ऊपर वाली बटन दबाना है, यानी कि आपको जहाँ भी जाना है जिस एप्लीकेशन पर वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कुछ सेटिंग्स करके। इसमें सेटिंग्स पर हैं, यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, आपको तुरंत लॉगिन का फॉर्म आ जाता है। पुनः हम फिर से इंटर प्रेस करते हैं। पुनः इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर कैंसिल पर रेड पट्टी पड़ जाती है, उसे आपको राइट साइड करना है, क्योंकि आपको लॉगिन करना है ना कि कैंसिल करना है। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको डाउन बटन दबाना है, क्योंकि आपको नीचे नीचे ही आना है। यहाँ पर डाउन बटन दबाते ही वाईफाई पर देखिए थोड़ी सी पट्टी पड़ जाती है। आप यहाँ पर ब्लूटूथ डाटा यूजर, अगर आपको राइट साइड जाना है तो राइट साइड के बटन दबाइए, ऊपर जाना है ऊपर, नीचे जाना है नीचे, यानी कि आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आप जा सकते हैं आसानी से। फिलहाल हम वाईफाई के अंदर सेटिंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम प्रेस करते हैं इंटर। इंटर प्रेस करते ही यहाँ पर वाईफाई ऑन हो रहा है। अगर पुनः हम इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर वाईफाई ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑन करने और ऑफ करने सबका तरीका इंटर ही होगा। वापस जाने के लिए आप रिटर्न, स्टेप बाय स्टेप रिटर्न जाने के लिए 1 जो क्रॉस एरो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं डाटा यूजेज का। डाटा यूजेज के अंदर जाते हैं तो आप देख लीजिए ओवरव्यू आपका जल करके आ रहा है, उस पर नीली पट्टी पड़ रही है तो देख सकते हैं आप।
वाईफाई पर आपको जाना है तो सीधे ये वाईफाई पर राइट साइड क्लिक कीजिए, राइट साइड पर। अगर आपको यहाँ से सीधे मेन स्क्रीन पर जाना है तो होम कैंसिल बटन का आप उपयोग करके सीधे आप मेन स्क्रीन पर जा सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ सेटिंग्स, इसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने DVT इन फर्टिलाइज़र में। आप अपने DVT इन फर्टिलाइज़र में यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ से यूजर के अंदर जाना है तो सीधा इंटर प्रेस कर देंगे आप और पहुँच जाएंगे। और अगर यहाँ से आपको एडमिन के अंदर जाना है तो एक चक्कर डाउन बटन को क्लिक करना है और फिर एंटर कर देना है तो आप एडमिन के अंदर चले जाएंगे। फिर से आपको वापस आना है और अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमने कौन सी बटन दबाई थी पहले, यानी आप अभी एडमिन से निकले हैं, अब आपको यूजर में जाना है तो आपको ऊपर वाली बटन एक बार दबाना है और फिर एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको कोई सिंबल नहीं दिखाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि कितनी बार मैंने कौन सी बटन दबाई है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। खैर, प्रयास करने पर आपको सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल हमें अगर सेला फर्टिलाइज़र में जाना है तो आपको सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है। आप TVTN फर्टिलाइज़र में हैं, आधार है, जी हाँ है, तो इसे यस करते हैं। क्या आप स्कैन करना चाहते हैं? अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते हैं तो एक बार राइट साइड बटन दबाइए और उसे नो कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास डाटा एंट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपनी डाटा एंट्री करेंगे। आप आधार नंबर भरने के बाद आपको इंटर प्रेस नहीं करना है, सीधा आपको एक बार राइट साइड क्लिक करना है और फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है तो सीधा आपके फिंगर मांग लेगा। आप यहाँ पर हैं और यहाँ से आपको किधर भी जाना हो तो आप उस बटन को देख लीजिए कि किस ऑप्शन पर हैं और आप चले जाएंगे। जैसे सेला फर्टिलाइज़र के बाद हमें जाना है रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट, डिस्पैच आईडी मैप करने के लिए हमें रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट में जाना है। एक बार राइट साइड क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट में हम पहुँच जाते हैं। दूसरा नंबर क्लिक करते हैं, राइट डाउन करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, डिस्पैच आईडी मैप होना आ जाती है। आपको कहीं भी जाना हो आसानी से जा सकते हैं तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो अब आप अपने पॉस मशीन को आप कीपैड से चलाना सीख गए हैं। मैं मिलता हूँ आपको और सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।